अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने स्कूल की तर्ज तालीम में आप तमाम का खैर मकदम है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना ना भूले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलती रहे। आज का मजमून है खेले करे सीखे। सफा नंबर 61-71। तस्वीर, नुक्तों से लुत्फांदोजी, लकीरों का जादू, आसान शक्लें, ठप्पे बनाना, नक्काशी, मेरे दोस्तों की तस्वीरें और मेरी तस्वीरें। आज हम ये सब सीखने वाले हैं। सबक नंबर 1, देखो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है। सबक नंबर 1, तस्वीर 1.1 खत निगारी। देखो खत निगारी को नाम क्या है और दूसरा अंग्रेजी में डूडल कहते हैं। ये आपने कहाँ सीखा होगा बच्चों, कहा देखा मैं अपने डूडल? मोबाइल में। इसका इस्तेमाल अक्सर मोबाइल में किया जाता है। तो देखो बच्चों, जिस तरीके से वर्जिश करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, वार्म अप करना पड़ता है, ठीक उसी तरीके से अगर हम खुशखत लिखना चाहते हैं, खुशखती के लिए क्या जरूरी है, फिर खत निगारी करना जरूरी है। और खत निगारी में बच्चों हमारे हाथों की हरकत, आंखों की हरकत होती है। और उसी तरीके से खत निगारी करते हुए अगर हम मुंह से गुनगुनाएं तो हमारी खत निगारी कैसी दिखाई देती है, फिर खूबसूरत बनने में मदद मिलती है। देखो यहाँ पर आड़ी खत निगारी आपको नजर आ रही है और इस खत निगारी में क्या किया हुआ बच्चों, अलग अलग रंग भरे हुए हैं, जिसकी मदद से, रंगों की मदद से ये और कैसी दिखाई दे रही है, आपको खूबसूरत नजर आ रही है। अब देखो बच्चों यहाँ पर है मेरी सरगर्मी। क्या है यहाँ पर, मेरी सरगर्मी। जिस तरीके से यहाँ पर आपको खत निगारी नजर आ रही है, अब मेरी सरगर्मी में क्या करना है आपने, यहाँ पर अपनी मनपसंद खत निगारी आपने यहाँ पर करनी है। मैं आपको मिसाल के तौर पर यहाँ पर खत निगारी करके बताती हूँ। मेरी मनपसंद खत निगारी मैं आपको यहाँ पर बनाकर बता रही हूँ और आपने भी क्या करना है, फिर अपनी मनपसंद खत निगारी यहाँ पर करनी है और उसमें क्या करना है, फिर रंग भरना है। देखो बच्चों आपने यह है मेरी मनपसंद खत निगारी। अब देखो मैं इसमें क्या कर रही हूँ, रंग भर रही हूँ। आपने भी क्या करना है, खत निगारी करने के बाद उसमें अलग अलग रंग भरना है ताकि हमारी खत निगारी कैसी दिखाई दे, खूबसूरत दिखाई दे। अपने मनपसंद रंग आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। जो मुझे पसंद है वो रंग मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ बच्चों, आपको भरकर बता रही हूँ। देखो इस तरीके से इसमें क्या करना है, तमाम में आपने रंग भरना है। अपनी मनपसंद यहाँ पर खत निगारी आप करेंगे। तो समझ में आया बच्चों आपको ये सरगर्मी खत निगारी की। अब देखो ये हमने आड़ी खत निगारी, यहाँ पर है खड़ी खत निगारी। जिस तरीके से हमने आड़ी बनाए थे, अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों, खड़ी बनाना है। यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर आपको खड़ी खत निगारी करके बताती हूँ। यहाँ पर मेरी सरगर्मी दी हुई, जिस तरीके से हमने आड़ी बनाए, अब उस तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, हम खड़ी खत निगारी बनाएंगे। आप इसमें अलग अलग रंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पेंसिल से बना सकते हो, पेन से बना सकते हो, स्केच पेन का इस्तेमाल कर सकते हो, मार्कर पेन का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, खड़ी खत निगारी आप कर सकते हैं। तो समझ में आया बच्चों आपको ये क्या सीखे हमने, पहले आड़ी खत निगारी, अब ये खड़ी खत निगारी। अब देखो 1.2 क्या लिखा है, देखो तो बच्चों यहाँ पर 1.2 नुक्तों से लुत्फांदोजी। देखो क्या यहाँ पर, नुक्तों से लुत्फांदोजी। नुक्तों के जरिए देखो यहाँ पर शक्लें बनाई हुई है और यहाँ पर है तस्वीर। देखो बच्चों यहाँ पर अलग अलग आपको यहाँ पर शक्लें नजर आ रही है। देखो चौकोनी शक्ल है, तिकोनी शक्ल है और बैदवी शक्ल है। बैदवी की तरह दिखाई दे रही है, तो ये बैदवी शक्ल है। और यहाँ पर यह है तस्वीर। नुक्तों को जोड़कर क्या बनाई हुई है, तस्वीर बनाई हुई है और शक्ल बनाई हुई है। तो देखो किस तरीके से दो नुक्तों को जब हम जोड़ते हैं तो क्या बनती है, लकीर बनती है। और तीन नुक्तों को जोड़े तो क्या बन जाएंगी, वो शक्ल बन जाएंगी। और उसी तरीके से अलग अलग नुकात को जोड़कर हम तस्वीर भी बना सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर ये शक्ल दिखाई दे रही है और यहाँ पर तस्वीर दिखाई दे रही है। तो मेरी सरगर्मी में भी आपको क्या करना है बच्चों, इसी तरीके से यहाँ पर शक्लें बनानी है और यहाँ पर क्या बनानी है, तस्वीर बनानी है। देखो हम मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, एक नुक्तों को जोड़कर हम क्या करेंगे, तस्वीर बनाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। देखो नुक्तों को जोड़कर मैंने ये शक्ल बनाई है। अब देखो हम पतंग की तस्वीर बना सकते हैं। देखो इस तरीके से आपने भी क्या करना है, इस तरीके से बनाना है। देखो तो समझ पाए ना बच्चों। आपने भी क्या करना है, फिर इस तरीके से शक्लें बनानी है और तस्वीर बनानी है। तो समझे फिर बच्चों आपको, अभी 1.3 देखो 1.3 लकीरों का जादू। देखो अब यहाँ पर क्या दी हुई बच्चों, लकीरें दी हुई है। यहाँ पर खड़ी लकीरें हैं, यहाँ पर भी खड़ी लकीरें हैं, ये आड़ी लकीरें हैं और ये तिरछी लकीरें हैं, है ना। और ये देखो तो झिकझैक लकीरें हैं, यानी कि कर्व लकीरें आपको यहाँ पर नजर आ रही है। इस तरीके से मेरी सरगर्मी में आपको भी क्या करना है, इस तरीके की लकीरें आपको बनानी है। देखो अब हम खड़ी लकीरें यहाँ पर बनाएंगे, मैं आपको बनाकर बताती हूँ। देखो ये है खड़ी लकीरें, अलग अलग रंग का आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हो, स्केच पेन का इस्तेमाल कर सकते हो और मार्कर पेन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। पेंसिल और पेन की मदद से हमारी लकीरें कैसे आएंगी बच्चों, बिल्कुल बारीक लकीरें आएंगी। और देखो तो यहाँ पर जरा मोटी लकीरें नजर आ रही है, तो ये स्केच पेन और मार्कर पेन का इस्तेमाल करके क्या की हुई है, ये लकीरें बनाई हुई है। देखो मैं आपको यहाँ पर बनाकर बता रही हूँ। ठीक इसी तरीके से आपने भी क्या करना है बच्चों, लकीरें बनानी है ना, लकीरों का जादू। अब देखो यहाँ पर है 1.4, क्या लिखा है बच्चों, 1.4 आसान शक्लें। अब देखो बच्चों यहाँ पर कुछ शक्लें आपको नजर आ रही है और ये बहुत ही आसान शक्ल है। इसी तरीके की शक्लें आपने क्या करनी है, बनानी है। देखो ये लकीरें हैं और लकीरों की मदद से क्या बनाई है, यहाँ पर शक्लें बनाई हुई है ना, कितने आसान। देखो ये दो लकीरों की मदद से क्या बनाई हुई है, एक शक्ल बनाई हुई है। देखो यहाँ पर अलग अलग आपको खूबसूरत शक्ल दिखाई दे रही है। देखो ये जैसा कि इंसान की शक्ल दिखाई दे रही है आपको। ये आइसक्रीम, मोमबत्ती, पेन, पेंसिल, देखो किताब, किसकी मदद से बनाई है सब, ये सब तमाम शक्लें जो है ये लकीरों की मदद से बनाई हुई है। तो है ना फिर लकीरों का जादू। देखो यहाँ पर भी आम दिखाई दे रहा है ना, ये देखो कछुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये चूजा दिखाई दे रहा है ना, ये बॉल नजर आ रहा है, ये अलग आपको नजर आ रही है। इस तरीके से आपने क्या करना है बच्चों, लकीरों की मदद से अलग अलग शक्लें बनानी हैं। अब देखो यहाँ पर 1.5 ठप्पे बनाना। अब क्या करना है बच्चों आपको, ठप्पे, पिछले सबक में हमने ठप्पे किस तरीके से बनाते हैं वो आपने देखा है। देखो यहाँ पर हमारी उंगलियों के ठप्पे आपको नजर आ रहे हैं और इन उंगलियों के ठप्पों की मदद से क्या किया है बच्चों, अलग खूबसूरत तस्वीर आपको यहाँ पर नजर आ रही है। देखो तो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, चूजा। देखो ये हमारे अंगूठे का ठप्पा है और ये क्या बन गया, उससे चूजा बन गया। हमने लकीरें जोड़े सिर्फ और लकीरों की मदद से ये क्या बन गया, चूजा बन गया। यहाँ पर देखो ये अंगूर बन गए, देखे आपने अंगूर। यहाँ पर ये मछली बन गई और ये बगला बन गया। क्या यहाँ पर हमारे उंगलियों के ठप्पे हैं और उन्हें लकीरें जोड़कर क्या बनाया हुआ है, खूबसूरत तस्वीर बनाई हुई है। तो आपने भी क्या करना है, मेरी सरगर्मी में इस तरीके से ठप्पों की मदद से आपने भी मुख्तलिफ तस्वीर क्या करनी बच्चों, आपने बनानी है ना। मजेदार सरगर्मी। देखो बच्चों यहाँ पर एक आशा गया छः। नक्काशी, आपको पसंद है नक्काशी? मेहंदी की डिजाइन बनाते हो ना आप? देखो यहाँ पर भी उसी तरीके से नक्काशी दी हुई है। आपने क्या करना है बच्चों, मेरी सरगर्मी में आप अपनी मनपसंद क्या करनी है, नक्शी यहाँ पर बनानी है, नक्काशी आपने बनानी है। हम क्या करेंगे बच्चों, एक मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर नक्शी, मेरी पसंद की नक्शी नक्काशी आपको यहाँ पर बनाकर बताती हूँ। आपने भी अपनी मनपसंद नक्शी यहाँ पर क्या करनी है बच्चों, बनानी है। अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, अलग अलग नक्काशी बना सकते हो। बड़ी मजेदार सरगर्मियां आज हम ले रहे हैं। मजा आ रहा है ना बच्चों आपको? इस तरीके से आपने क्या करना है बच्चों, अलग अलग नक्काशी यहाँ पर बनानी है। देखो 1.7, देखो तो 1.7 क्या है, रंग भरना। पसंद है ना आपको रंग भरना? तो फिर आपकी मनपसंद सरगर्मी यहाँ पर दी हुई है, रंग भरना। देखो ये बच्चा है और ये है गुब्बारे। तो अब आप रंग किसमें भरेंगे? देखो इसमें तो रंग भरा हुआ है, इसने जो कपड़े पहने इसमें रंग भरा हुआ है, तो फिर खाली क्या है, ये गुब्बारे है। तो इन गुब्बारों में क्या करना है, अपना मनपसंद रंग क्या करना है आपको, भरना है। तो देखो मैं आपको यहाँ पर रंग भर के बताती हूँ। आपने भी क्या करना है, अपना मनपसंद रंग जो यहाँ पर इन गुब्बारों में भरना है। देखा, मुझे लाल रंग पसंद है तो मैंने यहाँ पर लाल रंग इस गुब्बारे में भरा है। आपने भी अपना मनपसंद रंग इन गुब्बारों में भरना है। देखो पहले गुब्बारे में मैंने लाल रंग भरा, अब दूसरे गुब्बारे में मैं हरा रंग भरती हूँ। देखो इस तरीके से आपके जो भी मनपसंद रंग होंगे वो आपने इन गुब्बारों में भरना है। देखिए बच्चों अच्छे से पूरे गुब्बारे में क्या करना है, आपने रंग भरना है। उसी तरीके से देखो मेरी सरगर्मी क्या दिया हुआ यहाँ पर नीचे, मेरी सरगर्मी, और यहाँ दी हुई है पतंग। इस पतंग में क्या करना है, आपने अपना मनपसंद रंग भरना है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको रंग भरकर बताई, आपने इसमें भी क्या करना है बच्चों, रंग भरना है। देखो इस पतंग में आंखें बताई हुई है, नाक बताई हुई है और मुंह बताया हुआ है। तो आपने क्या करना है, फिर इसे इंसान की तरह यहाँ पर रंग देना है। देखो तो यहाँ पर इस बालों की तरह हम क्या देंगे, काला कलर यहाँ पर दे सकते हो, या अपनी मनपसंद का भी रंग आप यहाँ पर दे सकते हो। मैंने आपको एक करके बताई और अब आप अपने क्या करना है, यहाँ पर रंग भरना है। अब देखो 1.8 खुशखती। देखो कौन सी सरगर्मी है, खुशखती, यानी कि अगर खुशखत लिखना चाहते हो तो इस तरीके से खत हमें बनाना भी जरूरी है। देखो यहाँ पर खड़े खत नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आड़े खत नजर आ रहे हैं, यहाँ पर तिरछे खत नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गोल दायरा, और यहाँ पर आधा दायरा है। लेकिन इसका मुंह किधर है बच्चों, बाएं जानिब। यहाँ पर भी आधा दायरा है, इसका मुंह है दाएं जानिब। अब यहाँ पर भी आधा दायरा है लेकिन इसका मुंह नीचे जानिब है, और यहाँ पर भी आधा दायरा है, इसका मुंह कहाँ पर है, ऊपर की जानिब है। तो आपने भी क्या करना है बच्चों, आगे इस तरीके से खत बनाना है। जिस तरीके से आपको नजर आ रहा है उसी तरीके से, देखो मैं आपको यहाँ पर बनाकर बातें देती हूँ। इस तरीके से खत आप यहाँ पर बनाएंगे। अब देखो ये कैसे खत है, आड़े, तो फिर इन्हीं लकीरों के दरमियान आपने क्या करना है, खत बनाना है। अब ये है तिरछे खत, तो फिर तिरछे खत बनाना है। यह है गोल दायरा, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दायरा बनाएंगे। अब यहाँ है आधा गोल, है ना, आधा दायरा, तो फिर आधा दायरा बनाएंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे एक का मुंह किधर है, बाएं जानिब, और एक का मुंह दाएं जानिब। और यहाँ पर क्या है बच्चों, ये है, इसका मुंह नीचे है और इसका मुंह कहाँ पर है, ऊपर। तो समझ में आया बच्चों? आपने क्या करना है, इस तरीके से ये सरगर्मी। देखो बच्चों यहाँ पर 1.9 10। क्या लिखा हुआ यहाँ पर? 1.10 मेरी तस्वीरें। देखो पिछले सप्ताह हमने क्या देखे थे? मेरे दोस्तों की तस्वीरें। अब आपने यहाँ पर क्या करना है बच्चों, अपनी मनपसंद तस्वीर बनाने की कोशिश करनी है और बनाना है और उसमें रंग भी भरना है। अगर आपको कोई जानवर पसंद है, जानवर की तस्वीर बनाते आती होगी तो फिर यहाँ पर आपने जानवर बनाना है, जो भी आपका मनपसंद हो वो बनाना है। परिंदे की तस्वीर पसंद है, परिंदा पसंद है तो आप यहाँ पर परिंदे की तस्वीर बना सकते हो, या जो भी आपको चीजें पसंद है तो उनकी तस्वीर आप यहाँ पर आपको जिस तरीके से भी बनाते आती होंगी उस तरीके से आपने यहाँ पर क्या करनी बच्चों, बनानी है। तो फिर आज हमने बहुत सारी मजेदार सरगर्मियां सीखे हैं और आपने क्या करना है बच्चों, इन तमाम सरगर्मियों की मश्क करना है। हम कल फिर मिलेंगे एक नई पेशकश के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।